हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो से दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ए कैश्यूरिकियो क्या कहलाते हैं जिसमें उभयलिंगी नहीं होते दोस्तों। तो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉकरोच बोलते हैं दोस्तों, जिनमें उभयलिंगी नहीं होते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है दोस्तों, तो सूत्रकणिका नहीं पाई जाती दोस्तों जीवाणु कोशिका के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम एंटीबॉडीज की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ए फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, ए फ्लेमिंग उन्होंने सबसे पहले एंटीबॉडीज जो कि दोस्तों पेनिसिलियम नोटेटम थी दोस्तों, उसकी खोज की थी दोस्तों ए फ्लेमिंग ने दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चेचक होने का कारण क्या है दोस्तों, तो जो वायरस है दोस्तों वेरियोला जो वायरस है दोस्तों उसके कारण दोस्तों चेचक रोग फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रो का सूक्ष्म जीवीय विघटन क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वी नाइट्रीकरण बोलते हैं दोस्तों। नाइट्रेट जो सूक्ष्म जीवी होते हैं दोस्तों उनका विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो अर्नेस्ट हेकले नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों पुनरावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नमक की भारी मात्रा का सेवन करने के बावजूद किस पशु का जो रक्तचाप है वो हाई नहीं होता दोस्तों, तो रक्तचाप किसका हाई नहीं होता दोस्तों, ऊँट एक ऐसा जीव है दोस्तों जिसका दोस्तों नमक की अधिक मात्रा सेवन करने पर भी दोस्तों उसका जो रक्तचाप है मतलब जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो हाई नहीं होता दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो बहुत प्रभावों को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है दोस्तों, तो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करता है दोस्तों वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों प्लियोटोपिक बोलते हैं दोस्तों, उसे प्लियोटोपिक बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो हरी पादप के द्वारा किया जाता है दोस्तों सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब पादप विविधताओं में प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है दोस्तों, तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे स्वस्थानीय बोलते हैं दोस्तों, ये जो संरक्षण होता है दोस्तों उसे स्वस्थानीय बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका फेसबुक पे अकाउंट है दोस्तों और व्हाट्सअप पे अकाउंट है दोस्तों, उसके माध्यम से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।